तो हाय गाइस, मैं आ गई हूँ आज की नई वीडियो के साथ, लेकर आई हूँ सोहग यानी कि मोहन नारंग और सुरभि राठौर की अपडेट को लेकर। गाइस, नितेश का बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो गया, ना तो खुशी बर्थडे पार्टी में गई और ना ही सुरभि। सभी को नितेश के बर्थडे पार्टी की एक उम्मीद थी कि शायद सोहग इस दिन एक साथ देखने को मिलेंगे, पर शायद अभी हमारे नसीब में वो दिन देखना नहीं है। मे भी फ्यूचर में हमारी दुआ रहेगी यही कि ये दोनों जल्दी ही साथ आ जाए। गाइस, बर्थडे को 2 दिन हो गए हैं पर बॉयज ग्रुप अभी भी ट्रिप से नहीं आया। वे लोग अभी नाकंडा में घूम रहे हैं। वहां से इन लोगों ने कुछ फोटो शेयर किए हैं जो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। गाइस, काफी दिनों बाद हमें सुरभि के यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग देखने को मिला जहाँ सुबह ही आउट हुआ है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आइए गाइस, देख लेते हैं कल की वीडियो के कुछ कमेंट। पहला कमेंट है कि आपने एक वीडियो में बोला था कि सलोनी दी सुरु दी को पेचअप के लिए डांट रही थी। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा किसी वीडियो में नहीं कहा कि सलोनी ने सुरभि को पेचअप के लिए डांटा है। आप में से ही किसी का एक कमेंट आया था तो उस पे हमने डिस्कशन किया था और आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आगे इन्होंने लिखा है कि बट मुझे लगता है कि वो सुरु दी को इसलिए डांट रही होगी ताकि सेड रील्स ना बना के पहले जैसी रील्स बनाए एंड मोहक को मिस ना करे। ये हम क्लियरली देख सकते हैं, बालाजी मंदिर से आने के बाद सुरु पहले जैसे रील्स बनाने लगी हैं। ऐसा ही कुछ और रीजन है जिससे ये पता चलता है कि मोहक ही सुरु से झगड़ा किए हैं। फॉर एग्जांपल, मोहक ने सुरु के सारे पोस्ट को डिसलाइक किया और सुरु ने नहीं की थी। प्लीज दी पिन माई कमेंट एंड इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पूरा पढ़ के डिस्कस करना। ऑल्सो प्लीज हाइड माई नेम। आज मोहक को अभी उनकी गलती का एहसास हो रहा है इसलिए उनका फेस मुरझाया हुआ है, तो लगता है शायद गलती से इनका लाइक डिसलाइक लिखा गया है। तो गाइज, मुझे लगता है कि मोहक ने झगड़ा नहीं किया होगा क्योंकि मोहक हमेशा ही सुरभि को बहुत अच्छे शांत तरीके से समझाते हैं किसी भी गलती पर। इसका एक प्रूफ ये भी है कि मोहक ने अभी तक हैशटैग सोहग को फॉलो किया हुआ है जबकि सुरभि ही अनफॉलो की है। रही बात सलोनी की, मैंने पहले वाली वीडियो में भी आप लोगों से कहा था कि हम सिर्फ ये अंदाजा लगा रहे हैं क्योंकि अभी सोहग का ही झगड़ा चल रहा है, इसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, मे भी ये सिर्फ हमारा एक अजम्पशन हो। एंड गाइस, चेहरा उसी का मुरझाता है जिसकी कोई गलती ना हो फिर भी उससे झगड़ा किया जाए। एंड अभी मोहक बिल्कुल चुप है जबकि कुछ कुछ हिंट सुरभि की तरफ से आ रही है। बीटीएस ने कमेंट किया, दी आप कहाँ रहते हो, इंशाल्लाह सोहग जरूर मिलेंगे। दी आपको क्या लगता है कि सोहग का ब्रेकअप हुआ है या नहीं? तो गाइस, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि मुझे नहीं लगता कि इनका ब्रेकअप हुआ है क्योंकि बहुत सी चीजें हैं अभी जो बची हुई है, जैसे कि सुरभि ने अभी तक मोहक की दी हुई रिंग पहनी हुई है, दोनों ने ही एक दूसरे को फॉलो किया हुआ है, पोस्ट भी रखी हुई है सारी। मोहक ने अभी तक हैशटैग सोहग को फॉलो किया हुआ है, साथ में इन दोनों ने सोहग के फैन पेजेस को भी फॉलो किया हुआ है। एंड रही बात कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहती हूँ, एज क्या है, तो गाइज मैं जल्दी ही Q&A वीडियो लाने वाली हूँ तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। जिन्होंने कमेंट किया, यस दी मैंने भी सुरभि दी की मॉर्निंग वाली वीडियो देखी है, सलोनी दी के साथ वाली, बहुत ही क्यूट है दोनों। ये आपका नाम क्या है एंड आपकी वॉइस भी बहुत ब्यूटीफुल है, माय नेम इज संजना। थैंक यू सो मच संजना कि आपने इतना अच्छा कमेंट किया। एंड गाइज, मुझसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको Q&A वीडियो में मिल जाएंगे। श्रेया तिवारी ने कमेंट किया, हेलो दी आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है, माय नेम इज श्रेया तिवारी। तो थैंक यू सो मच श्रेया। नाजू ने कमेंट किया, योर वॉइस लेस देन 3-3 एंड एक रोने वाला इमोजी, स्टार वाला इमोजी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये कमेंट अच्छा है या, अगर ये कमेंट अच्छा है, आपने मेरी तारीफ की है, तो थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वॉइस पसंद नहीं है तो मेरी वॉइस ऐसी ही क्या करूँ। आशा दी ने कमेंट किया, थैंक यू दिया आप तो बहुत ही प्यारे हो, क्यूटेस्ट गर्ल हो, थैंक यू सो मच आशा, आप बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट करती है डेली। जूनी ने कमेंट किया, हाई मैम माई नेम इज जूनी एंड आप बहुत ही अच्छी हो, थैंक यू सो मच जूनी, आप भी बहुत अच्छी हो, डेली कमेंट्स करती हो। पूनम यादव ने कमेंट किया, दीदी इतना अच्छा अपडेट देने के लिए थैंक यू। तो वेलकम पूनम, थैंक यू कमेंट करने के लिए। अल्फाज जुनेजा ने कमेंट किया है, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच। कोमल ने कमेंट किया है, माय नेम इज कोमल, थैंक यू दीदी, मेरा भी रिप्लाई किया आपने, तो वेलकम कोमल एंड थैंक यू सो मच कमेंट किया आपने। बंसी दत्तानी ने कमेंट किया है, हाय दीदी मिस यू सो मच सो प्लीज 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 कम सून। अलवीरा अंसारी ने कमेंट किया है, सॉरी दीदी मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो कोई बात नहीं अलवीरा, वैसे भी हम सब बहुत ज्यादा परेशान है सोहग को लेकर, हम फैंस लोग हैं, हमें भी गुस्सा आ ही जाता है जब सोहग रिप्लाई नहीं करते हमारे किसी भी कमेंट का या फिर अपडेट नहीं दे रहे हैं कि इनके बीच क्या हुआ है, तो इसलिए कोई बात नहीं ऐसा हो जाता है। आगे इन्होंने लिखा है, बट मुझे लगता है कि अगर वो दोनों अपने सेकंड सॉन्ग पर मिलेंगे तो उनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है क्लियर कर लेंगे, सोहग का कभी भी ब्रेकअप नहीं हो सकता। हाँ गाइज, मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर एक बार ये दोनों मिल गए तो फिर इनके बीच की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाएगी, सोहग का बॉन्ड ही इतना मजबूत है। संदीप कुमार ने कमेंट किया, प्लीज कम बैक सोहग। दिनेश वसावा ने कमेंट किया, वी वांट सोहग कम बैक सून, माय नेम इज वर्षा वसावा। तो थैंक यू सो मच वर्षा कमेंट करने के लिए। PKSMS ने कमेंट किया है, हमें उनके सभी पोस्ट पर वी वांट सोहग बैक कमेंट करना चाहिए। तो हाँ गाइज, इतना तो आप कर ही सकते हैं। गेमर गेमर ने कमेंट किया, सोहग कब आएगा वापस।
साइमा उमेर ने कमेंट किया है, लोग कितने परेशान हैं मोहक और सुरभि को लेकर, मगर वो लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, बहुत गलत बात है दोनों की। किरण केशवाला ने कमेंट किया, लव यू सोहक, प्लीज कम बैक। जगदीश राणा ने कमेंट किया, हाय मैम, मैं चाहता हूँ कि जितने भी सोहक फैन है दिल्ली में रहते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़कर ये कहता हूँ कि कैसे भी करके हमें सोहक को फिर से एक करना है, प्लीज प्लीज इसमें आप हमारी हेल्प करें, लव यू सोहक। अनम ने कमेंट किया, सुरभि ने इंस्टाग्राम पर रील अपलोड की है जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए सॉन्ग पर, और वो बहुत ही ज्यादा हर्ट दिख रही हैं। ट्रेंड गेमिंग ने कमेंट किया, वी वांट सोहक कम बैक, सोहक के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, वी विश कि सोहक जल्दी मिल जाए। शहजाद तुनका ने कमेंट किया, माय नेम इज तुनका शहनाज। मोहम्मद यूसुफ ने कमेंट किया, माय नेम इज युशरा। मोहम्मद यूसुफ ने कमेंट किया, माय नेम इज युशरा, लेट मी नो इज मोहक डिडंट लाइक हर बैकअप अकाउंट वीडियो टू। शेख नजीब ने कमेंट किया, माय नेम इज अर्शिया, मैम प्लीज जल्दी से ये गुड न्यूज सुनाइए कि मोहक सुरभि मिल गए। तो गाइज मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड कोई नहीं है ये न्यूज़ सुनाने के लिए कि सोहक मिल गए, जल्दी से ये मिले और मैं फटाफट आपको ये न्यूज़ दूँ। MN ने कमेंट किया है, प्लीज़ कम बैक सोहक। सोनी शाह ने कमेंट किया है, सोहक हम लोगों को कितना इग्नोर कर गए, हम तो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछे थे कि सोहक कब मिलेगा और सोहक क्यों नहीं मिल रहे हैं, तब भी वो लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन। गाइज हम फैंस हैं इसलिए पूछ रहे हैं, बट गाइज ये उनका पर्सनल मैटर है, देखा जाए तो एक तरीके से ये उनका पर्सनल मैटर ही है, वो लोग नहीं चाहते होंगे कि ऐसी चीज़ें बाहर आए, कि गाइज ऐसी चीज़ें जब बाहर आती है तो बहुत ही अगली हो जाती है। मुझे लगता है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। हुज़ैफ़ा महमूद ने कमेंट किया, क्या श्योर है कि सोहक का सेकंड सॉन्ग आएगा। रिलेटेड कमेंट नीलू ने किया है, मुझे नहीं लगता कि सोहक का नेक्स्ट सॉन्ग आएगा, क्योंकि जिस सॉन्ग की शूटिंग बाद में हुई थी वो सॉन्ग तो आ गया है उस चैनल पे। गाइस इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि सोहक के दो सॉन्ग शूट हुए हैं, मेरे पास बस ये न्यूज़ थी कि दो सॉन्ग आने वाले हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि एक सॉन्ग की ही शूटिंग हुई, सेकंड सॉन्ग शूट होना बाकी है। गाइस मेरी इस कंफ्यूजन के पीछे मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मोहक के चैनल पर मुझे ये व्लॉग दिख ही नहीं रहा था, लिटरली ये व्लॉग मुझे दिख ही नहीं रहा था, आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा सकती हूँ। फिर इंस्टाग्राम पर मुझे किसी ने इस व्लॉग की लिंक भेजी, गाइस लिंक के थ्रू ही मैं इस व्लॉग को देख पाई हूँ, और अभी 3 से 4 दिन पहले ही मैंने ये व्लॉग देखा है, इसमें कि दोनों सॉन्ग की शूटिंग हो गई है मुझे पता चला। तो गाइस हो सकता है कि सेकंड सॉन्ग आ जाए, क्योंकि गाइस जब भी सेम पर्सन के दो सॉन्ग की शूटिंग एक साथ हो जाती है तो 2 या 2.5 महीने के अंतराल में वो सॉन्ग आते हैं, तो मे भी हो सकता है कि सेकंड सॉन्ग हमें देखने को मिल जाए। खुशी तदास ने कमेंट किया, क्या लगता है सोहक फिर से मिलेगा ना, बस एक बार दोनों एक साथ आ जाए यही मेरी तमन्ना है, सोहक जुदा नहीं हो सकता, इम्पोसिबल। मोनिशा ने कमेंट किया, सोहक कम बैक। तारा ने कमेंट किया, दी मुझे पक्का पता है कि सोहक हम सब के साथ प्रैंक कर रहे हैं। उषा ने कमेंट किया, दी सोहक का ब्रेकअप नहीं हुआ है, कि वो हर बार पहले भी एक दूसरे को हार्ट नहीं देते थे और वो बीच बीच में साथ में रील बनाना छोड़ते हैं, एंड नॉट थिंक कि उनका ब्रेकअप हुआ है। तो गाइस ये बात तो सही है कि उनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, गाइस हम चाहते भी नहीं है कि उनका कभी ब्रेकअप हो, एंड रही बात कि वो बीच बीच में रील बनाना छोड़ देते थे, तो गाइस ऐसा जब होता था जब मोहक या तो अपने होम टाउन हिसार चले जाते थे या फिर सुरभि कभी अपने फैमिली फंक्शन में चली जाती थी, और ये सिर्फ 4 या 5 दिन के लिए होता था, गाइस 3-4 महीने के लिए नहीं होता था। भावना कुमारी ने कमेंट किया, हे दी आई एम भावना, दी क्या आपको कोई होप है कि सोहक मिलेंगे। मुझे तो नहीं लगता है, पर थोड़ी सी गट फीलिंग है कि ये जरूर मिलेंगे, होप यू रिप्लाई योर ओपिनियन। तो हाँ गाइस मुझे होप है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हैं, प्रूफ के साथ मैं बोल सकती हूँ, ये प्रूफ आप सभी को पता है कि इन दोनों ने अनफॉलो नहीं किया है, पोस्ट एंड रील्स अभी तक है, स्टोरीज भी इनके अकाउंट पर सेम पड़ी हुई है, मोहक ने अभी तक हैशटैग सोहक को फॉलो किया हुआ है, दोनों ने ही अपने सोहक वाले फैन पेजेस को फॉलो किया हुआ है, एंड सबसे बड़ा रीजन ये कि गाइस ये अभी तक भी सिंगल सिंगल ही रील्स बना रहे हैं, मतलब ऐसे किसी और पार्टनर के साथ रोमांटिक वाली रील नहीं बना रहे, अपने सिर्फ फ्रेंड्स के साथ ही रील्स बना रहे हैं, मतलब कि इन दोनों की लाइफ में ही कोई तीसरा नहीं आया, ना सुरभि की लाइफ में कोई लड़का है, ना ही मोहक की लाइफ में कोई लड़की आई है, तो गाइस ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि ये दोनों वापस आएंगे और इनका ब्रेकअप नहीं हुआ है। फैजल पाती ने कमेंट किया, हाय दी माय नेम इज मेहर एंड सोहक नेवर एंड, वो लोग सोलमेट है। कांता ठाकुर ने कमेंट किया है, आई होप सोहक हमें जल्दी देखने को मिले, दीदी प्लीज मेरा नाम लो रुचिका ठाकुर। तो थैंक यू सो मच रुचिका कि आपने कमेंट किया, एंड आई होप सोहक विल बी कम सून। मार स्टेटस ने कमेंट किया, हाय दी माय नेम इज सोनल, मुझे पूरा विश्वास है कि वापस जरूर मिलेंगे। पूजा ने कमेंट किया, सोहक कम बैक प्लीज। उपरा सिंगर ने कमेंट किया, सोहक मिलेंगे इंशाल्लाह, दी कुछ कहने के लिए नहीं है। देव स्मिता ने कमेंट किया, प्लीज कम बैक सोहक। ओम ने कमेंट किया, हाय तो हेलो ओम। संजना वर्मा ने कमेंट किया, सोहक इज माय फेवरेट कपल, प्लीज कम बैक, आई रियली मिस यू सोहक। साक्षी दधीची ने कमेंट किया, सलोनी दीदी सुरभि दीदी के घर रुकी हुई है, शायद उनके कारण हुआ हो ब्रेकअप सोहक का, प्लीज मेरे कमेंट को शॉर्ट आउट देना। राज ऑफिशियल ने कमेंट किया, राज सहानी। आसिफ खान ने कमेंट किया, दीदी ये दोनों अलग नहीं होंगे कभी भी, हमारे दुआ है। अक्षय आर्या ने कमेंट किया, प्लीज गॉड सोहक के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है सोल्व करवा दो।
नजरीना ने कमेंट किया, हाय दीदी हमारी उम्मीद अभी भी बरकरार है। माही ने कमेंट किया, सोह कभी भी अलग नहीं हुआ, दोनों एक साथ जरूर आएंगे। साक्षी गोयल ने कमेंट किया, दीदी मोह को सुरभि कब साथ होंगे, मुझे उनकी कपल वाली वीडियो साथ में देखनी है। थैंक यू सो मच गाइस इतने अच्छे अच्छे कमेंट वीडियो में करने के लिए। जिनके भी कमेंट में शामिल नहीं कर पाए उनको सॉरी, अगली वीडियो में आपके कमेंट जरूर शामिल करने की कोशिश करूंगी। बस आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।